आज हम बनाएंगे भुने चने की दो बहुत ही मजेदार रेसिपी। ऐसे ही भुना चना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है और इससे जो बनने वाली रेसिपी है ना वो भी बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही लाजवाब लगती है खाने में। और एक ही मेहनत और तैयारी में दोनों रेसिपी को हम बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे अभी आपने देखा मैंने लिया था 200 ग्राम चना जिसको मैंने हाथों से ही रगड़ रगड़ के उसका छिलका निकाल लिया है और अब इसे हमें पीस लेना है। इसे हमें दरदरा नहीं बिल्कुल महीन पीसना है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे छान लेंगे ताकि इसमें जो भी मोटे टुकड़े होंगे वो अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक बाउल में मैंने लिया है एक कप चना का सत्तू या एक बड़ी कटोरी से एक कटोरी है ये, और यहाँ पर 7-8 लहसुन और 3 हरी मिर्च जिसको हम कूटकर दरदरा पेस्ट बना लेंगे। फ्रेंड्स चना का सत्तू जल्दी खराब नहीं होता है तो अगर आप चाहें तो एक बार ही आप चने को पीस कर रख लें और जब भी आपको ये रेसिपी बनाने का मन हो आप फटाफट से बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो बाउल में हमने लिया था चना का सत्तू अब उसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। तो यहाँ पे मैंने 3 बारीक कटे हुए प्याज इसमें डाले हैं, इसे मिला लेंगे। और उसके बाद इसमें मैंने डाला है 1/4 चम्मच अचार का मसाला, आम के अचार का जो मसाला होता है ना वो डाला है। और अब हम इसमें डाल देंगे कूटे हुए लहसुन अदरक और यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 चम्मच अजवाइन जिसको हम हाथों से इस तरह से क्रश कर डालेंगे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 नींबू का रस, लेकिन अगर आप यहाँ पे आम का अचार का मसाला नहीं डाल रहे हैं तो आप पूरे 1 नींबू का रस डालेंगे इसमें। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, धनिया पत्ती और 1 चम्मच तेल। अब सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिला देंगे तो यहाँ पे जो है हमारी फिलिंग बनकर तैयार है, बहुत ही लाजवाब बनी है। तो आप चाहें तो यहाँ पे नमक वगैरह टेस्ट करने के लिए आप थोड़ा सा लेकर टेस्ट कर सकते हैं। भाई मेरी तो बिल्कुल परफेक्ट बनी है, बहुत एकदम चटपटी। तो चलिए अब आटा गूंथ लेते हैं। तो आप पराठा बनाने के लिए जैसा आटा गूंथते हैं ना बस वैसा ही गूंथ लेना है यहाँ पे। वैसे तो नॉर्मली पराठा बनाने के लिए सॉफ्ट आटा लगाते हैं लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम आटा लगाई हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे सत्तू का पराठा भी बनाऊंगी और बाटी यानी कि मकुनी भी बनाऊंगी। तो चलिए पहले हम बनाते हैं सत्तू का पराठा। तो जिस भी साइज का हमें पराठा बनाना है बस उसी हिसाब से हम लेंगे लोई, लोई को गोल करेंगे और इस तरह से दबाते हुए अंदर हम इसे कटोरी की तरह बनाएंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर भरेंगे ये सत्तू की जबरदस्त बनी हुई फिलिंग। तो इस तरह से दबाते हुए हम इसे इसका मुंह बंद कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल लेंगे। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा आटा लगा के इस तरह से हाथों से इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि इसे हमें बेलना कम पड़ेगा। और बस इसे हल्के हाथों से हम जैसे पराठा बेलते हैं ना बस उसी तरह से इसे बेल लेना है। ये बिल्कुल भी फटता नहीं है, बहुत ही आसान है इसे बनाना। तवा पर पराठा डालने से पहले हम सबसे पहले लगा लेंगे तवा पे तेल या घी और पलट लेंगे। इस साइड भी बिल्कुल अच्छे से हमें तेल लगा लेना है। दोनों साइड हम तेल लगाने के बाद इसे उलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे और ये बहुत ही बढ़िया से फूलता भी है। तो यहाँ पर दूसरी साइड भी हम लगा लेंगे तेल और इसे ऐसे ही उलट पलट के हमें सेक लेना है। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से फूला है पराठा। तो सभी पराठों से सत्तू का पराठा बनाना बहुत ईजी है और ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लगता है खाने में और बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी है। तो एक बार इस हेल्दी सत्तू के पराठे को आप बना के जरूर खाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से पराठा सिक चुका है। तो इसे अब हम तवे से उतार लेंगे और तवे से उतार कर इसे डायरेक्ट प्लेट में न रखें, इसे आप किसी कटोरी के ऊपर रखें ताकि ये बिल्कुल पूरी तरह से इसकी भाप निकल जाए। इसी तरह से हम और भी पराठे बना लेंगे और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसकी मकुनी कैसे बनाएंगे यानी कि बाटी कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे फिलिंग बिल्कुल वही है जो हमने पराठे के लिए बनाई थी और सेम उसी तरह से इसे हमें भरना भी है। लोई लेंगे और लोई को गोल करने के बाद इस तरह से कटोरी की तरह बना लेंगे और उसके अंदर फिलिंग भरेंगे और इस तरह से दबाते हुए इसका मुंह बंद कर लेंगे। और उसके बाद इसे हम हथेलियों से इस तरह से गोल कर लेंगे। ये पराठा से भी कहीं ज्यादा आसान है। अगर आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन हम इसे बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाएंगे, इसे फ्राई नहीं करेंगे। इस तरह से हम इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे बिना तेल का, बिना फ्राई किए हुए। तो यहाँ पे हमने सभी बाटी को प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया है और नीचे से इसे हम अच्छे से सीख जाने देंगे। उसके बाद हम सभी को पलट लेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसका ढक्कन लगा देंगे रबड़ और सीटी निकाल कर, और उतने में बाटी बिल्कुल अच्छे से सीख जाएगी। बीच बीच में हम बंद कुकर को इस तरह से घुमाते रहेंगे और खोलने के बाद भी जहाँ पे आपको लगे कि ये थोड़ा सा कम सिकी है इस तरह से घुमा घुमा के इसे हम सेकेंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी बाटी में बिल्कुल अच्छे से क्रैक आ चुका है, मतलब कि बाटी बिल्कुल अच्छे से सिक चुकी है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। इसे आप चोखा या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। तो फ्रेंड्स अगर ये आपको सत्तू का लाजवाब पराठा और ये मकुनी यानी कि बाटी की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।